यूपी चुनाव के लिहाज से आज का दिन यानी कि 19 जनवरी 2022 काफ़ी अहम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर अपर्णा ने कहा, मैं बीजेपी की विचारधारा से हमेशा से प्रभावित रही हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई पदाधिकारियों का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है, मेरी क्षमता के अनुसार मेरे लिए जो भी कार्य होंगे मैं करूंगी। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश अपने ही घर में विफल रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने हमारी योजनाओं का क्रेडिट लेने की कोशिशें की लेकिन अब तक उन्होंने अपनी सीट का ऐलान नहीं किया। मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने मेरी और सीएम योगी की सीट का ऐलान पहली ही लिस्ट में कर दिया था। अखिलेश ने कहा था कि उन्होंने विकास किया है, अगर उन्होंने इतना ही विकास किया है तो सुरक्षित सीट ढूंढने में उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भी उन्हें इतना समय लग रहा है। दरअसल अपर्णा यादव के सपा से मोहभंग होने के पीछे का कारण लखनऊ कैंट विधानसभा सीट बताई जा रही है। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव मैदान में न उतारने का फैसला किया है। इस सीट से 2017 में अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ा था और 61,000 से अधिक वोट पाई थी। अपर्णा को जितना वोट मिला था वह अब तक इस सीट से सपा प्रत्याशियों को मिले वोट में सबसे अधिक था। 2022 में भी अपर्णा ने कैंट विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी की थी। अपर्णा ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफें की हैं। अपर्णा यादव, आपको बता दें कि वो मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं।